एक अलक्षित वीरान सी टेकरी के झुरमुट में आड़ी तिरछी सुरों चट्टानें थीं। बेतरतीबी और आवारगी में उन्मुक्त आदतन में दरवाजा ढूंढ रहा था, आदतन में दरवाजा ढूंढ रहा था पर दरवाजा नहीं था। मुझे खुद पर हंसी आई, जब दीवार ही नहीं थी तो क्यों कर होगा दरवाजा। तो एक कविता मैंने लिखी थी ईश्वर, तो मैंने लिखा ईश्वर का घर। मैंने सच में मेरे दिमाग में आया, और ये तब की घटना है जब वाकई में ईश्वर को मानते नहीं था। 60 साल की उम्र से पहले ईश्वर को नहीं मानता था मैं, कट्टर अनीश्वरवादी था। मैं अनीश्वरवादी को नास्तिक नहीं कहता। नास्तिक वो होता है जिसकी आस्था न अध्यात्म में है, न कलाओं में है, न विज्ञान में है, वो है नास्तिक। और जिसकी आस्था कहीं ना कहीं है वो है आस्तिक। और ईश्वर को मानने वाला उसको कहते हैं आस्तिक, ईश्वर को नहीं मानने वाले को बोलते हैं नास्तिक। ये बिल्कुल ही शब्दावली गलत है ना। तो मैं भाई ईश्वर को मानता नहीं था, और ईश्वर को जो मानते हैं वो ईश्वर को कितना जानते हैं, मैं तो उनसे ही पूछता हूँ, भैया ईश्वर को कितना जानते हो? तो ईश्वर को भी नहीं जाने मानते हो, यानी आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भी नहीं जाने मान लेते हो। गजब है भाई, आपका मानना गजब है, बिना जाने मान गए यार। भाई मैं तो बिना जाने नहीं मानता। मैं 60 साल तक मुझे कोई पर जब कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला, मैंने ईश्वर को नहीं माना। और जब मुझे बिल्कुल पॉजिटिव प्रमाण मिला, जब किसी ने मेरे सामने मत जिसको कहते हैं 100% तो भैया इसके आगे अब बोलो, तो हम चुप हो गए। हमने कहा हाँ ईश्वर है। वो घटना खैर अलग है, लेकिन मैंने फिर भी ईश्वर के घर की खोज की, तो वो ये कविता है। ये संसार अजब है, ये संसार अजब है, यहाँ दुख भी है सुख भी, पर हर कोई लेता है ईश्वर का नाम। यह संसार अजब है, यहाँ दुख भी है सुख भी, पर हर कोई लेता है ईश्वर का नाम। सहज ही मुझे ईश्वर ने प्रभावित किया, मैंने लोगों से ईश्वर का ठिया जानना चाहा, मैंने लोगों से ईश्वर का ठिया जानना चाहा और निराश हुआ। मंदिर से लौट रहा था और मुझे लग रहा था दफ्तर से लौट रहा हूँ, मंदिर से लौट रहा था और मुझे लग रहा था मैं दफ्तर से लौट रहा हूँ। कम से कम मंदिर तो नहीं हो सकता ईश्वर का घर, हो ना हो हमारे घर से मिलता जुलता, गोया कुछ अलग तरह का होना चाहिए, ईश्वर की फितरत से मेल खाता। तो फिर ईश्वर को जानने मुझे जानना चाहिए ईश्वर की फितरत। तो ईश्वर को जानने फिर मुझे जानना चाहिए ईश्वर की फितरत। बड़े श्रद्धा विश्वास से पढ़े मैंने धर्म ग्रंथ, बड़े श्रद्धा विश्वास से पढ़े मैंने धर्म ग्रंथ। मुल्ला मौलवी योगी सन्यासी सूफी संत तांत्रिक भिक्षु फकीर पीर पैगंबर त्रिकालदर्शी नाथ सिद्ध मुर्शिद तपस्वी मुनि तत्वदर्शी परमहंस ब्रह्मर्षि दिग्गज पंडित आचार्यों से मिला। भक्ति भाव से व्रत उपवास रखे दान दक्षिणा की, तीर्थाटन धामों मठों दरगाहों की यात्राएं की, शास्त्र सम्मत विधि विधानों से जप तप किए, पूजा पाठ स्तुति अर्चना प्रार्थना अरदास नमाज वाजिब गैर वाजिब हर तरीके का इस्तेमाल किया। ईश्वर की खोज में हलकान भटकता रहा,
भटकता रहा पर बनी नहीं बात। बड़े विश्वास, बड़े श्रद्धा और विश्वास से पढ़े मैंने धर्म ग्रंथ। मुल्ला, मौलवी, योगी, सन्यासी, सूफी, तंत्र, सांत्रिक, भिक्षु, फकीर, पीर, पैगंबर, त्रिकालदर्शी, नाथ, सिद्ध, मुर्शिद, तपस्वी, मुनि, तत्वदर्शी, परमहंस, ब्रह्मर्षि, दिग्गज पंडित आचार्यों से मिला, भक्ति भाव से व्रत उपवास रखे, दान दक्षिणा की, तीर्थाटन, धामों, मठों, दरगाहों की यात्राएं की, शास्त्र सम्मत विधि विधानों से जप तप किए, पूजा पाठ, स्तुति, अर्चना, प्रार्थना, अरदास, नमाज, वाजिब, गैर वाजिब, हर तरीके का इस्तेमाल किया। ईश्वर की खोज में हलकान भटकता रहा पर बनी नहीं बात। और इससे पहले कि मूर्ति भी करूं मैं ईश्वर की खोज और इससे पहले कि मुलतवी करूं मैं ईश्वर की खोज, रानी दुर्गावती महल के रास्ते एक निहायत ही मामूली पर अजीबो गरीब से ढांचे ने बरबस रूप लिया मुझे। और इससे पहले कि मुलतवी करूं मैं ईश्वर की खोज, रानी दुर्गावती महल के रास्ते एक निहायत ही मामूली पर अजीबो गरीब से ढांचे ने बरबस रूप लिया मुझे। एक अलक्षित वीरान सी टेकरी की झुरमुट में, एक अलक्षित वीरान सी टेकरी के झुरमुट में आड़ी तिरछी सुडौल चट्टाने थी, एक अलक्षित वीरान सी टेकरी के झुरमुट में आड़ी तिरछी सुडौल चट्टाने थी, बेतरतीबी और आवारगी में उन्मुक्त आदतन में दरवाजा ढूंढ रहा था, आदतन मैं दरवाज़ा ढूंढ रहा था पर दरवाज़ा नहीं था। मुझे खुद पर हंसी आई, जब दीवार ही नहीं थी तो क्यों कर होगा दरवाज़ा। दरवाज़े में जड़े कांच या कॉल बेल का तो प्रश्न ही नहीं। और फिर खिड़की रोशनदान जाहिर है वे भी नहीं थे। मैंने दस्तक दी और मुझे लगा कि मैंने खामखा ही दस्तक दी। और यह क्या कि बिना आए ही भीतर चला आया, कि किसी और ने नहीं अपनी ही हैरानी ने मुझे टोका। ठंडा पियेंगे या गरम, पूछने वाली आवाज नहीं थी। बैठक, शयन कक्ष, हमाम या रसोई, अरे कुछ भी तो नहीं था। दीवारें नहीं थी तो कमरे भी नहीं थे। अजब था कि बेहदी का घर था, मुझे प्यास लगी थी कि बुझ गई। आर्द्रता थी सर्वत्र, बेहदी का जल था। शीतलता थी घड़ा नहीं था। भरक थी, सिगड़ी नहीं थी। चहचहाट थी, चिड़िया नहीं थी। वृक्ष नहीं थे, छाया थी। पावनता थी, मूरत नहीं थी। सूरत नहीं थी, सीरत थी। हठात एक पत्थर उठा उंगलियों पर दे मारा, चोट नहीं थी। चोट नहीं थी कि मरहम पट्टी नहीं थी। मैं चौंक गया, कहीं यही तो नहीं ईश्वर का घर। और ईश्वर कहाँ है? मेरे सिवा कोई तो नहीं यहाँ, मेरे सिवा कोई तो नहीं यहाँ।